पेट्रोल 100 के पार पहुंच गया, व्हीकल डबल हो गया, महंगाई चरम सीमा पर चली गई। हिंदुस्तान के अंदर चाइना ने कब्जा कर लिया, कारपोरेट घराने मनमाने टैक्स वसूल कर रहे हैं, फिर भी 400 पार। किस बात से ये सरकार 400 पार का नारा दे रही है? हमारे जुझारू लोग, किसानों के जुझारू लोग क्या फौज में या वैसे धरनों पर शहीद होने के लिए? ऐसा मौका ना आए। आज जो ईवीएम की लड़ाई है, उस लड़ाई में हम कूद पड़े हैं, और ये आम किसान की, मजदूर की, आम जनता की लड़ाई है। किसानों को, मजदूरों को नेस्तनाबूद करने के लिए मौजूदा सरकार का गोदी मीडिया की कमी नहीं है। मेरे प्रिय पत्रकार बंधुओं, आपका इन किसानों की तरफ से, जो पूरी दुनिया में अगर कोई बचा है तो सिर्फ आप लोगों का ये मीडिया बचा है। बाकी किसानों को, मजदूरों को नेस्तनाबूद करने के लिए मौजूदा सरकार का गोदी मीडिया की कमी नहीं है। लेकिन ये बेचारा किसान 750 किसानों की शहादत के बाद भी हम लोगों ने ये फैसला किया कि 23 मार्च जब हिंदुस्तान के उस नौजवानों ने फिरंगी सरकार को हटाने के लिए फांसी का तख्ता अगर चूम लिया था, तो 750 किसानों की शहादत के बाद ये उन फिरंगियों से भी काफिर सरकार, जिसने पूरे देश के अवाम को गूंगा और बहरा बना दिया है, ये किसान अपनी फरियाद आपके माध्यम से वहां तक पहुंचाना चाहते हैं कि ये वक्त है कि उठो और जागो। नोटिफिकेशन के बाद ये किसान किससे मांगे? हमारी मांग थी कि हमारी को एमएसपी गारंटी लीगल का कानून बनाया जाए, लेकिन ये सरकार जुमलेबाजों की सरकार है, अब हम किससे फरियाद करें? ये पूरे देश का किसान अब 23 तारीख को डिस्ट्रिक्ट, तहसील लेवल पर, पूरे प्रदेश लेवल पर, पूरे देश के अंदर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देगा। इस देश का किसान 23 तारीख को अपने खून के आंसू, सरदार भगत सिंह की आंखों में जो आए थे खुशी के कि देश आजाद होगा, लेकिन देश आजाद तो हुआ, लेकिन किसान और मजदूर को उस टाइम गुलामी से भी ज्यादा आज शहादत देनी पड़ रही है। तो मेरे पत्रकार बंधुओं, हमने ये फैसला किया है कि हम ये ज्ञापन, जो ईवीएम हटाओ मोर्चा चल रहा है, जो इस देश की डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, इस देश की संवैधानिक संस्थाओं को बचाने के लिए, आप लोगों की नस्ल को बचाने के लिए ये किसान अपनी शहादत देने को तैयार है। इस किसान की तरफ पूरे देश की आंखें लगी हुई हैं कि किसान कब दिल्ली आएगा और कब हमारी बात को इस गूंगी बहरी सरकार के कानों में रखवाएगा। ये पूरे देश का 150 करोड़ जनता किसानों का इंतजार कर रही थी कि दिल्ली किसान कब आएगा। वो अग्निवीर जिनका नाम ही अग्नि कर दिया, पूरे देश के नौजवानों को आग में झोंकने का काम कर दिया, ये कॉरपोरेट घरानों का अपना प्राइवेट नौकरी रखने के लिए, सरकारी फैसिलिटी से वंचित करने के लिए 4 साल की स्कीम लेकर आए हैं। दोस्तों, हमने फैसला किया है कि ईवीएम हटाने के माध्यम से, क्योंकि 750 किसानों की हत्याएं करवाने के बाद 20 किसानों की कान में जू नहीं रहे की सरकार की, और 400 पार का नारा दे रहे हैं। देश में महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई, पेट्रोल 100 के पार पहुंच गया, व्हीकल डबल हो गया, महंगाई चरम सीमा पर चली गई। हिंदुस्तान के अंदर चाइना ने कब्जा कर लिया, कारपोरेट घराने मनमाने टैक्स वसूल कर रहे हैं, फिर भी 400 पार। किस बात से ये सरकार 400 पार का नारा दे रही है? तो किसानों के मन में, मजदूरों के मन में एक शंका है कि 400 पार ईवीएम में तो राजा की जान ईवीएम में है। इस ईवीएम को हमारी सुप्रीम कोर्ट माननीय जज जी से ये फरियाद है कि वो इस पर सुने। 150 करोड़ की जनता नहीं चाहती ईवीएम से चुनाव शक के दायरे में है, तो सीजीआई जी पूरे देश की भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए ईवीएम के ऊपर कोई फैसला ले, ये चुनाव ईवीएम के बाद जल्दी से जल्दी बैलेट पेपर से करवाए, और हम पूरे देश के किसान
ये फैसला करते हैं कि अगर फिर भी सरकार नहीं सीजीआई साहब नहीं चेतेंगे तो इन पूरे देश के किसान और मजदूरों ने चुनाव के टाइम भी किसी सरकार के विरोध में ऐसा फैसला लेना पड़ेगा कि पूरा देश एक तरफा चुनाव करेगा, क्या फिर भी 400 पार आएंगे, इस पर सोचने का प्रश्न है दोस्तों। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप लोग पूरे देश के अंदर हमारी मंशा को, हमारी आवाज को पहुंचाएं, क्योंकि ये हमारी नहीं, ये हमारी नस्ल और फसल की लड़ाई है दोस्तों। ये हिंदुस्तान से डेमोक्रेसी को बचाने की लड़ाई है दोस्तों, ये कानून को बचाने की लड़ाई है। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं और आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारे जो शहीद आजम जिनके लिए हम ये शहादत दिवस मनाते हैं, उस दिन को मनाते हम इसलिए उन्होंने हमारे देश के लिए शहादत दी कि आगे भविष्य में किसी को शहीद ना होना पड़े, किसी को शहादत ना देनी पड़े, अपनी बात हम आराम से अपनी बात रख सकें, हमारी सरकार है। लेकिन आज ये सरकार इस तरह से तानाशाही रवैया अपना रही है जैसे ये हमारी सरकार नहीं है, ये हमारी बातें नहीं सुन रही है। हम लोग लगातार 3 साल से टीकरी बॉर्डर पर धरनारत हैं, अपनी बातें शांतिपूर्ण ढंग से सरकार के समक्ष रख रहे हैं। सरकार CID लगातार किसान मजदूर उत्थान मोर्चा की लगातार उसकी पूरी देख रही कि लोग हैं, किस टाइम आए किस टाइम गए, लेकिन वो उन बातों पे बात नहीं रख रही है। आज हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, उसके पीछे ये EVM है। किसानों को हमारे खनौरी बॉर्डर पर किसान शहीद हुए, हमारे खुद धरने पर किसान मजदूर उत्थान मोर्चा टिकरी बॉर्डर पर प्रदीप धनखड़ जी शहीद हुए, और इसी मुद्दे के लिए MSP पेंडिंग केसेस, यही सब मांगों के साथ वो वहां पर शहीद हुए, और उनकी शहादत को आज हम लोग नमन करते हैं कि उनकी शहादत भी आज भी फलीभूत नहीं हुई, हमें फिर से शहीदी दिवस पर मनाना पड़ रहा है, उन्हीं मांगों को दोहराना पड़ रहा है। और ये गूंगी बैरी सरकार उस पर कोई भी तर्क नहीं दे रही, कहीं बात भी नहीं कर रही है। जब खनौरी बॉर्डर पर, शंभू बॉर्डर पर बातें रखी जाती हैं तो उनको कहा जाता है कि आतंकवादी हैं, उनके लिए किसानों को बदनाम करने के लिए सरकार पैसा खर्च कर रही है, किसानों की बात सुनने के लिए MSP देने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है। जो हमारे जुझारू लोग हैं जिनमें जज्बा है, उन लोगों को के ऊपर केस डाल दिए गए हैं और उन केसों को हटाया नहीं गया है, वायदे करने के बाद 2 साल के बाद भी उन केसों को अभी तक हटाया नहीं गया है ये, और नए लोग शहीद हो रहे हैं। हमारे जुझारू लोग, किसानों के जुझारू लोग क्या फौज में या वैसे धरनों पर शहीद होने के लिए, ऐसा मौका ना आए। आज जो EVM की लड़ाई है उस लड़ाई में हम कूद पड़े हैं, और ये आम किसान की, मजदूर की, आम जनता की लड़ाई है। किस तरह से ये आम जनता की लड़ाई, क्योंकि ये लोग जो सत्ता में लोग हैं वो कहते हैं कि हमारे को जो जनमत मिल रहा है वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि हम ठीक हैं। हमें ये जनमत को हर जगह आगे ले आते हैं कि जनमत हमें मिल रहा है, हमें, हम वोट में जीत के आ रहे हैं, हमने ये एक्शन लिया, किसानों को नहीं सुनी। मुट्ठी भर किसान कहते हैं हमारे को, आतंकवादी कहते हैं, इस सब पे जो है चैनल्स चल रहे हैं, हमारी बातें नहीं रखी जा रही हैं। तो उन लोगों को निष्पक्ष तौर पर कि वो आ रहे हैं तो जनता के दम पर आ रहे हैं, जनता जानना चाहती है कि क्या एक गरीब आदमी जब इलेक्शन में लड़ जाता है तो उसके लिए कौन लड़ेगा। आज हमारे जो चंद्रचूड़ साहब हैं चीफ जस्टिस, उनसे गुजारिश हाथ जोड़ के कि एक उस आदमी की सोचिए जो अपने आप में अकेला बिना किसी पार्टी के अपने आप में वो जो संघर्ष में अपने आप जो अगर कोई पार्टी का वो मतलब चुनाव में खड़ा होता है तो उसकी रक्षा कौन करेगा। वो पैसा नहीं लगा सकता EVM हैक करने के लिए या किसी भी को सफाई देने के लिए। इस बढ़ती हुई ये जो जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उसमें आम आदमी नाम पिसे, इसके लिए सबसे जरूरी है कि मतदान जो है बैलेट पेपर से हो, मतदान बैलेट पेपर से हो, मतदान बैलेट पेपर से हो। तमिलनाडु से आई हूँ। EVM हटाओ देश बचाओ को मूवमेंट का मेरा सपोर्ट मिलेगा, थोड़ा थोड़ा हिंदी मालूम। सो वी हैव टू फाइट फॉर EVM एंड इट शुड बी बैलेट पेपर। आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। डिजिटल मीन्स cheating. Digital India, it should be cheating. So, we should have ballot paper. So, EVM hatao, desh bachao. Ban EVM, save India. Can we have? Yes, ban EVM. Save India. Ban EVM. Save India. Ban EVM. Save India.